हेलो फ्रेंड्स, मैं सीआर राकेश सिंगल, रिसर्च एनालिस्ट, और आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। आज हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल तो बताएंगे ही, साथ ही एक पिक भी बताएंगे शॉर्ट टर्म के लिए, और साथ ही अपने दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजारों की। आज के बाजारों के लिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज ओपन हुआ 9390 पर और इमीडिएटली निफ्टी ने 9404 का हाई लगाया। लेकिन उसके बाद जैसा हमने आपको कल बताया था 9400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहां पे निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई जिसने निफ्टी को 9260 के लेवल तक पर ले गया। और उसके बाद निफ्टी एक 9330 से 9270 की रेंज में घूमता रहा और फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया जो निफ्टी को 9380 तक ले गया। फाइनली निफ्टी 9380 पे क्लोजिंग की। कल के लिए अगर बात करें तो क्योंकि एक्सपायरी वीक है और हम वेरी क्लोज है एक्सपायरी के, तो कल के लिए अगर बात करें निफ्टी अगर कल 9400 के लेवल अगर तोड़ दे तो तोड़ने के बाद निफ्टी 9450 या 9500 तक के लेवल भी टच कर सकता है। लेकिन उस लेवल पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो कि निफ्टी को दोबारा से 9350 से लेकर 9300 तक के लेवल पर ले जा सकती है। हमारा भी उछाल पे बिकवाली का ही है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आज बैंक निफ्टी 20437 पे यानी गैप के साथ ओपन हुआ था और उसके बाद निफ्टी ने एक डे लो लगाया 20261 का और उसके बाद एक निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया जो निफ्टी को डे हाई पे 20751 पर ले गया। फाइनली बैंक निफ्टी ने 20671 की क्लोजिंग की। कल के लिए अगर बात करें तो कल क्योंकि एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी रहने की पूरी संभावना है, और सॉरी एक्सपायरी के हम पास हैं और वोलेटिलिटी रहने की पूरी संभावना है, तो कल अगर हम निफ्टी में 20900 से 21100 तक के लेवल देख सकते हैं। लेकिन 21100 का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उस प्रॉफिट बुकिंग के कारण हम निफ्टी को दोबारा से 20700 से 20400 के लेवल पर देख सकते हैं। हमारे व्यू उछाल पे बिकवाली का ही है। अब बात करते हैं आपकी पिक ऑफ द डे की। आज का हमारा पिक ऑफ द डे है वी गार इंडस्ट्री। इसका करंट प्राइस 179 है। इस स्टॉक को हम डिप पे करीब 170 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं और इसका हमारा टारगेट प्राइस 194 रुपए का है अगले 7-15 दिन का, जो कि लगभग हमें 13% अपसाइड देता है करंट प्राइस इस परचेज प्राइस पे। अगर इसका स्टॉप लॉस हम 159 लेके चलेंगे क्लोजिंग बेस पे। स्टॉक हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ने वीकली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है, साथ ही स्लो स्टॉकिस्टिक्स भी ओवरसोल्ड रेंज से राइज कर रही है, और साथ ही जो हमारा डेली एमएसईडी है वो भी सिग्नल लाइन के ऊपर जा रहा है, तो इसलिए हम स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। हालांकि ये जो स्टॉक है काफी वोलेटाइल रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और अपने टारगेट्स का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं हमारे दर्शकों के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है राज कपाड़िया जी का एलएनटी पर। इनका परचेस प्राइस है 878 और ये कहते हैं कि मेरे को 930 रुपए तक का टारगेट चाहिए, कितने टाइम में आ जाएगा। आज का भाव 857 रुपए है। अगर टेक्निकल बेस पर मैं देखूं तो स्टॉक ने डाउन साइड में 20 अप्रैल को एक गैप बनाया था नीचे की साइड, जो कि ये स्टॉक फिल करने की कोशिश कर सकता है, जो कि 910 से 920 तक का लेवल है। तो इस लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है और इसके लिए मुझे लगता है अगले कम से कम 7 दिन तो इसको लग जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया है ऋषि मल्होत्रा जी का जागरण प्रकाशन पर। इनके पास 5000 शेयर है 68 रुपए के भाव पर। वो कहते हैं क्या करें, सेल करें या होल्ड करें। अभी इसका भाव लगभग 44 रुपए के आसपास है। टेक्निकली देखें तो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 40 रुपए के आसपास, जो कि मुझे लगता है अगर स्टॉक 55 रुपए का लेवल ऊपर में ब्रेक करता है तो स्टॉक में हम 70 तक के लेवल देख सकते हैं, और उसके बाद अगर 75 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें स्टॉक में 80 से 85 रुपए के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगले 6-9 महीने में। हमारा व्यू स्टॉक को होल्ड करने का ही है। अगर आपके इसी तरह किसी पार्टिकुलर स्टॉक को लेकर कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिखें और उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे साथ बने रहें और मुनाफा कमाते रहें। घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।